हरे कृष्णा हरि बोल। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा डियर व्यूअर्स, हरि बोल। सभी का स्वागत है आज के लाइव सेशन में, जिसमें हम कर रहे हैं पार्ट 6, हाउ टू सीरियसली सरेंडर एट द लोटस फीट ऑफ भगवान। और इसके साथ हम कंटिन्यू करेंगे चैतन्य चरितामृत। वी विल रिज्यूम अवर श्रवणम एंड कीर्तनम और एक माला चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। तो आइए पहले हम प्रेयर्स ऑफर करें। नमो विष्णु पदाय कृष्णा प्रष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम्य य प्रकाश वितीर्य प्रचारम कृतवान साधु भगवत्पदाय ते नमः। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निधि गुप्ता जी, हरे कृष्णा। ब्रजेश मित्तल जी, प्रणव जी, लक्ष्मी शर्मा जी, अनुसुईया जी, रिंकी मिश्रा जी, नरेंद्र वर्मा जी, हरि बोल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम एवरीवन टू टुडे सेशन। मुतुराज जी, चित्रा गिडवानी जी, हरे कृष्णा सभी को। ऑल ग्लोरीज टू अवर इलस्ट्रियस गुरु परंपरा, ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड श्री गौरंगा, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू अवर डियर गुरु महाराज, हरि बोल। सो आइए डियर डिवोटीज, शुरू में आज हम थोड़ा सा कीर्तन कर रहे हैं जब तक और व्यूअर्स ज्वाइन कर रहे हैं, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे ये जो सीरीज हम कर रहे हैं, हाउ टू सीरियसली सरेंडर टू कृष्णा। तो जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ये जो चैतन्य चरितामृत है, इसमें जो हमें मिल रही हैं टीचिंग्स फ्रॉम वैष्णव आचार्यस और श्रील प्रभुपाद के जो एक्चुअली पर्पट्स हैं, उसको हम रिलेट करते जा रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। व्हाट इज दिस प्रोसेस ऑफ सरेंडर? व्हाट इज अवर रिलेशनशिप विद भगवान? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? हाउ वी कैन हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ भक्ति, एंड देन द एग्जीक्यूशन ऑफ भक्ति भी अंडरस्टैंड करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। फर्दर विल गेट डेवलप मोर इंसाइट। तो आइए थोड़ा सा कीर्तन। हरि बोल। निधि गुप्ता जी, नुपुर घोष जी, राहुल जी, डियर व्यूअर्स, आप में से काफी सारे व्यूअर्स पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। आप में से कितने लोग थोड़ा से कीर्तन में इंटरेस्टेड हैं? हम शुरुआत में ही आज थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड हम सब चैंट करेंगे हरे कृष्णा महामंत्रा ऑन द बीड्स। तो अगर आपके पास बीड्स हैं तो वो साथ में ले आइए, अपने पास रखिए, और अगर नहीं है तो यू आर वेलकम टू ज्वाइन इन श्रवण एंड कीर्तनम। हरि बोल। राजेश कुमार हल्दर जी, ऋतुराज जी, चित्रा जी, हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज सिंग विद मी। हरे Do you sometimes find if कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज सिंग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे रामा रामा हरे हरे वन मोर टाइम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरि बोल। डियर व्यूअर्स, आप में से बहुत से लोग आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, आप सभी का अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। और जो व्यूअर्स हमारे रेगुलर्स हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फॉर योर कंटिन्यूड पार्टिसिपेशन। चित्रा गिडवानी जी, निधि गुप्ता जी, गीता देशा जी, नीरू जी, राजेश कुमार हल्दर जी, नरेंद्रन जी, ऋतुराज कुलकर्णी जी, वरुण छाबरा जी, लक्ष्मी शर्मा जी, हरी बोल अंजलि रैना जी, प्रियंका जी, हरे कृष्णा राहुल नाग, नुपुर घोष, हरे कृष्णा सभी को, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीमा शर्मा जी, वेलकम। अगर जो व्यूअर्स पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, ये आपके लिए नया प्रोग्राम है, तो आप जरूर मेंशन करिए आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारी अंडरस्टैंडिंग है कुछ लोग यूएस से ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग दुबई मिड ईस्ट एरिया से ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग इंडिया से ज्वाइन करते हैं, एक्चुअली साउथ ईस्ट एशिया से काफ़ी लोग ज्वाइन करते हैं। तो दैट गिव्स मी सम आइडिया वेयर आर यू ऑल फ्रॉम। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस वी आर ऑल इंटरेस्टेड इन भक्ति। हम सबको बहुत इंटरेस्ट है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम में, तभी तो हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं। तो हम कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत से, प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये जो चैतन्य चरितामृत है ना, इसकी मैं लिंक आपके साथ शेयर करती हूँ हर बार, और अभी भी करने जा रही हूँ। कृपया उसको अपने ब्राउजर्स में खोल लीजिए, अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो फ़ोन में कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे हम वर्सेस रीड करेंगे ट्रांसलेशंस और परपर्ट, आपको बहुत सहूलियत हो जाएगी अगर आप साथ में फॉलो करेंगे। यू आर ऑल वेलकम टू राइट योर क्वेश्चंस, योर कमेंट्स, योर रियलाइजेशंस। आई एम टोटली हैप्पी टू सी योर पार्टिसिपेशन। हरे कृष्णा, कल लॉर्ड नरसिंहदेव जी का अपियरेंस डे था, तो काफ़ी सारे लोगों ने फास्टिंग की, ऑब्जर्व की, और एकादशी से फास्ट ब्रेकिंग किया इवनिंग में, और आज श्री राधा रमन लाल जी का अपियरेंस डे है, तो उसके बारे में भी मैं जस्ट थोड़ा सा मेंशन करना चाहती थी कि श्री श्री राधा रमन मंदिर जो है श्री वृंदावन धाम में है, और ऐसा काफ़ी डिवोटीज शेयर करते हैं कि श्री राधा रमन जीज लोटस फेस इज लाइक श्री गोविंद गोविंद जीज लोटस फेस, हिज चेस्ट इज लाइक श्री गोपीनाथ जीज चेस्ट, एंड हिज लोटस फीट आर लाइक श्री मदन मोहन जीज लोटस फीट। एंड बाई टेकिंग दर्शन, जब उनके दर्शन करते हैं ना, तो राधा रमन जी के जब दर्शन हो जाते हैं, तो वन रिसीव्स द साइमल्टेनियस दर्शन ऑफ द थ्री प्राइमरी डिटीज ऑफ वृंदावन। तो इनके काफ़ी व्हाट्सएप में, फेसबुक में, आज सोशल मीडिया में काफ़ी पोस्ट सर्कुलेट हो रही हैं, दर्शन हो रहे हैं। और मोस्ट पॉपुलर उनका दर्शन जो आउटफिट है वो है औलाई आउटफिट। औलाई दर्शन इज फॉर संध्या आरती इन द अर्ली इवनिंग। औलाई मीन्स आई एम ब्रिंगिंग डिनर, क्योंकि जब कृष्ण भगवान काउ हर्डिंग के बाद लौट के आते थे,
और उन्हें बहुत भूख लगी होती थी, तो माँ यशोदा कहती थी आओ लाई उनको पैसिफाई करने के लिए, एंड दैट शी इज ब्रिंगिंग हिम हिज फूड। तो जो डीटी है ना श्री राधा रमन जी के, वो मैनिफेस्ट हुए थे फ्रॉम वन ऑफ गोपाल भट्ट गोस्वामीज शालिग्राम शिला ऑन फुल मून डे ऑफ वैशाख, जो कि अभी करंट टाइम है। तो इस अपियरेंस डे के लिए आज इतनी ही इन्फॉर्मेशन, और अब हम कंटिन्यू करेंगे श्री चैतन्य चरितामृत। उससे पहले प्रेयर्स बोल लें 3 बार, जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, जय अद्वैता चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, जय अद्वैता चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, जय अद्वैता चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। पूनम दिवाकर जी, अजय शुक्ला जी, गीता जी, हरि बोल, वरुण छाबड़ा जी, हरे कृष्णा। सभी के कमेंट्स मैं पूरी कोशिश करती हूँ साइमल्टेनियसली टू कीप एन आई ऑन योर कमेंट्स, लेकिन कभी कभी आपके कमेंट्स मिस हो जाते हैं, तो प्लीज़ माइंड ना करें, क्योंकि दूसरे टैब्स में, विंडोज़ में जाके मैं साथ में रीडिंग भी करती हूँ, और हम साथ ही में मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, श्रवणम कर रहे हैं, कीर्तनम कर रहे हैं, कमेंट्स भी रीड कर रहे हैं और डिस्कस भी कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपके क्वेश्चंस या कमेंट्स मिस हो जाएं, तो प्लीज़ उन्हें फिर से मेंशन कर दीजिएगा, उतनी बार मेंशन करिए जब तक मैं उन्हें देख ना लूँ, एंड आई वोंट माइंड दैट। ओके, हरे कृष्णा। तो अब हम रीड कर रहे हैं वर्स नंबर 76 से। कृपया 76 नंबर पे सर्च करें, ये जो डॉक्यूमेंट की ये जो लिंक हमने आपसे शेयर की है वेदाबेस से, इस पर 76 नंबर पे सर्च करिएगा, तो आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे राइट वर्स पे। यस निधि जी, श्रीधाम वृंदावन जी की जय, राधा रमन जी की जय। तो ये जो चैप्टर है प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं गोल्डन अवतार हैं भगवान कृष्ण के, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं सनातन गोस्वामी जी को अबाउट प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। वो तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, लेकिन ये चैप्टर भक्ति पर फोकस्ड है। वर्स नंबर 76। इफ वन हु हैज अनफ्लिंचिंग डिवोशनल फेथ इन कृष्णा, यानी जिसको भी भगवान पर अगाध श्रद्धा होती है, वन हु हैज अनफ्लिंचिंग डिवोशनल फेथ इन कृष्णा, ऑल द गुड क्वालिटीज ऑफ कृष्णा एंड द डेमागॉड्स आर कंसिस्टेंटली मैनिफेस्ट। उसमें सारी डिवाइन क्वालिटीज डेवलप हो जाती हैं, मैनिफेस्ट हो जाती हैं। हाउ एवर ही हु हैज नो डिवोशन टू सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड हैज नो गुड क्वालिफिकेशन, बिकॉज ही इज एंगेज बाई मेंटल कंकॉक्शन इन मटीरियल एग्जिस्टेंस विच इज द एक्सटर्नल फीचर ऑफ द लॉर्ड। और जिन्हें भगवान में फेथ नहीं होता है, श्रद्धा नहीं होती है, हृदय में डिवोशन नहीं होता है, उनके पास कोई गुड क्वालिफिकेशंस नहीं होती हैं, क्योंकि वो माया में फंसे होते हैं, मटेरियल एग्जिस्टेंस के डिस्ट्रैक्शंस में फंसे होते हैं। एक बार मैं चेक करना चाहती हूँ इफ वॉल्यूम, ये जो म्यूजिक चल रहा है ना फ्लूट म्यूजिक, इसका वॉल्यूम ठीक है कि नहीं जरूर बताएं। कई बार थोड़ा सा लाउड होता है, एक बार मेंशन कर दीजिए, जिससे आई कैन टेक केयर ऑफ इट। ओके ओके गीता जी, हरि बोल, हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है अपने लिए कि किस तरीके की श्रद्धा होनी चाहिए एक्सक्यूज मी, दूसरों में फॉल्ट्स फाइंड करने के लिए, दूसरों को जज करने के लिए ये नॉलेज नहीं है। ये इंस्ट्रक्शंस हमें खुद ही पर अप्लाई करने के लिए हैं। ये जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं ना सेक्शन, ये कंटिन्यूएशन है पिछले वर्सेस का, जहाँ पर एक्सप्लेन किया गया कि 3 कैटेगरीज होते हैं, फर्स्ट क्लास डिवोटी, मध्यम अधिकारी एंड उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और न्यूफाइट्स। और इनके बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं वो ब्रीफ में बताए गए हैं, जो कि आप पर्पट्स में डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन एंड में ये बताया गया था कि जो वैष्णव होते हैं ना, वो सभी ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज डेवलप कर लेते हैं। ऑल गुड क्वालिटीज ऑफ भगवान ग्रेजुअली डेवलप इन हिज भक्त, हिज डिवोटी। कैसे? बाय द वर्च्यू ऑफ डिवोशनल सर्विस। यही डिवोशनल लाइफ की महिमा है, ग्लोरीज है। जैसे जैसे वन सीरियसली सरेंडर्स टू भगवान, जैसे जैसे वन
seriously tries to do seva to Bhagwan and his saintly devotees, then devotees ki blessing se, Bhagwan ki blessing se, apne aap hi divine qualities develop ho jati hain. तो इसी से रिलेटेड हमने फेथ के बारे में पढ़ा. अभी टेक्स्ट नंबर 77 में जा रहे हैं. ऑल दीज ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर वैष्णव एंड दे कैन नॉट बी फुली एक्सप्लेन्ड, बट आई शैल ट्राई टू पॉइंट आउट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वालिटीज. तो ये जो ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज है ना, वैष्णव क्वालिटीज, वैष्णवस यानी डियर डिवोटीज ऑफ भगवान में ये क्वालिटीज मैनिफेस्ट हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं. ये भगवान की और प्योर सोल्स की कृपा होती है. और हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पावर ऑफ साधु संगा. साधु संगा में एकत्रित होके सब क्या करते हैं? डू दे डू प्रजल्पा? डू दे डू गॉसिप? नो, इन साधु संगा वी डू श्रवणम एंड कीर्तनम एंड विष्णु स्मरणम. तो वर्स नंबर 78-80 में आने से पहले एक बार मैं आपके कमेंट्स देख लूं. सुनील सूत्रधार जी, हरे कृष्णा, प्रतीक जी, अनुगर जी, परफेक्ट वॉल्यूम, ओके वंडरफुल, गुड टू नो दैट. रमन बोरा जी, पौलोमी जी, हरे कृष्णा. प्रियंका चुटानी जी, हरी बोल. बैसाखी जी, बाबू कुट्टन जी, वेलकम. बैसाखी जी, वी वर मिसिंग यू. हम चैप्टर शुरू कर चुके हैं थोड़े से कीर्तन के बाद. आप सभी के लिए एक बार फिर से लिंक शेयर कर दूं. वी आर ऑन चैतन्य चैतामृत मध्य लीला चैप्टर 22 वर्स नंबर. आज हमने स्टार्ट किया है फ्रॉम 76 और हमने श्रद्धा के बारे में इंस्ट्रक्शंस श्रवण किए. श्रद्धा स्ट्रांग होनी चाहिए. और वैसे भी किसी के पास अगर पहले से ही स्ट्रांग श्रद्धा नहीं है तो बाय वर्च्यू ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ द डिवोटी, बाय वर्च्यू ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, श्रद्धा पहले से स्ट्रांग होती जाती है. और इसके बारे में हम कई बार डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रेशन ऑफ फेथ डिवोटी की लाइफ में कैसे होता है. शुरू में थोड़ी सी श्रद्धा के साथ में जब कोई भगवान के दर्शन के लिए आते हैं या डिवोटीज के कॉन्टैक्ट में आते हैं, उन्हें मिलती है अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन मोर सेवा, टू डू श्रवणम कीर्तनम. उससे क्या होता है, भजन क्रिया में, सेवा में एंगेज होते हैं जब, तो हृदय के इनऑस्पिशियसनेस, डर्टी थिंग्स विद इन द हार्ट, अनर्था सब वैंक्विश होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं. और फिर डेवलप होने लगता है हायर टेस्ट, डेवलप होने लगता है इंटरेस्ट, रुचि, और अनर्थों की निवृत्ति होने लगती है. और इस तरीके से हमारा फेथ बढ़ता है. टेक्स्ट नंबर 78-80 में आ रहे हैं. डिवोटीज आर ऑलवेज मर्सीफुल. ये क्वालिटीज दी हैं यहाँ पर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्योर वैष्णवास के, प्योर डिवोटीज के. तो इनको पढ़ने के बाद हमें जज नहीं करना है दूसरों को, बल्कि हमें प्रे करना है भगवान को फॉर मोर सेवा. ये नॉलेज के लिए है ये जो वर्सेज है ना, कि किस तरीके से वैष्णवास में ये प्योर क्वालिटीज डेवलप होती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द लाइफ ऑफ भक्ति. हरि बोल. कृष्ण शीतल टंडन जी, हरे कृष्णा. सीमा छानना जी, नागेंद्र जी, वेलकम एवरीवन. हमने अभी भी लिंक शेयर की है, आप चेक करिए स्क्रॉल करके. चैतन्य चैतन्य मध्य लीला चैप्टर 22 वर्स नंबर 78-80 पर हैं हम. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू सीरियसली सरेंडर एट द लोटस फीट ऑफ भगवान. सो डियर फ्रेंड्स, डिवोटीज की कुछ ब्यूटीफुल क्वालिटीज, प्योर वैष्णवास की ब्यूटीफुल क्वालिटीज हम पढ़ने वाले हैं इस वर्स में. एंड ऑल्सो वी विल फाइंड सम बैड कैरेक्टरिस्टिक्स वी शुड बी केयरफुल अबाउट, जो कि इम्पेडिमेंट्स होते हैं डिवोशनल लाइफ में. डिवोटीज आर ऑलवेज मर्सीफुल, हम्बल, ट्रूथफुल, इक्वल टू ऑल, फॉल्टलेस, मैग्नानिमस, माइल्ड, क्लीन. तो ये जो सारी क्वालिटीज है ना, इन्हें हमें ध्यान से याद रखना है हमेशा. वी हैव टू बी काइंड टू ऑल लिविंग एंटिटीज. ह्यूमिलिटी के बार बार बारे में हम बार बार सुनते हैं. सरेंडर के जो 6 हमने लिम्स हमने स्टडी किए थे, हर सेशन में वी टॉक अबाउट इट. एंड वेरी क्विकली मैं आपसे चाहूँगी आप कमेंट्स में इसी वक्त मेंशन करिए अगर आपको भूल गए हैं, व्हाट आर द 6 कैरेक्टरिस्टिक्स और 6 लिम्स ऑफ सरेंडर. अगर आपको याद नहीं हो तो मैं रिपीट कर दूंगी, लेकिन इस पॉइंट पे जरूर हमें टचअप करना चाहिए.
सरेंडर के सिक्स लिम्स क्या हैं? कमेंट में आप लिख सकते हैं, गीता जी हरे कृष्णा, वैष्णव ट्रांसल क्वालिटीज, डेडिकेटेड लिसनर, एंथुसिएटिक सिंगर ऑफ महामंत्र, अनफ्लिंचिंग फेथ इन विष्णु भगवान, रिमेम्बरिंग भगवान ऑल द टाइम, डूइंग भगवान सेवा एंड सेवा ऑफ डिवोटीज, भक्ति नॉलेज एंड डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल डिजायर्स। ब्यूटिफुल गीता जी, ब्यूटिफुल, आपने बहुत कुछ समराइज करके लिख दिया है फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन विच इज ब्यूटिफुल। और अब मेरी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, अगर आप पार्टिसिपेट करते आए हैं अभी तक, पहले के जो हमने पांच सीरीज में पांच पार्ट्स किए हैं हाउ टू सीरियसली सरेंडर टू कृष्णा, उसमें हर बार हमने डिस्कस किया है व्हाट आर द सिक्स लिम्स ऑफ सरेंडर। प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स, आई विल वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। एक बार मैं वर्स जो पढ़ रही थी उसको कंप्लीट करके आके आपके कमेंट्स चेक करूंगी और उससे फिर रिलेट करके हम डिस्कस करेंगे हाउ दीज वैष्णव क्वालिटीज एंड दीज इम्पेडिमेंट्स वी नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग इन दिस प्रोसेस ऑफ सरेंडर टू भगवान। सो डिवोटीज के पास ये जो डिवाइन क्वालिटीज हैं ये मैनिफेस्ट होती हैं एंड दे आर विदाउट मटीरियल पोजेशंस एंड दे परफॉर्म वेलफेयर वर्क फॉर एवरीवन। दे आर पीसफुल, दे आर सरेंडर टू कृष्णा एंड दे आर डिजायरलेस। दे आर इनडिफरेंट टू मटीरियल एक्विजिशंस एंड आर फिक्स्ड इन डिवोशनल सर्विस। दे कंप्लीटली कंट्रोल द सिक्स बैड क्वालिटीज, लस्ट, एंगर, ग्रीड एंड सो फोर्थ। They eat only as much as required and they are not inebriated. They are respectful, grave, compassionate and without false prestige. They are friendly, poetic, expert and silent. तो 26 qualities बताई जाती हैं वैष्णवास की, तो यहाँ पर सारी qualities तो listed हैं, लेकिन मैं आपसे ये mention करना चाहती थी कि इन सब के लिए हमें अलग से एंडिवर नहीं करना होता है, हमें एक्चुअली अपना बिहेवियर ऐसा करना होता है कि वी आर हम्बल लाइक अ ब्लेड ऑफ ग्रास एंड वी आर टॉलरेंट लाइक अ ट्री। ट्रीज बहुत टॉलरेंट होते हैं, हर वक्त हर किसी को शेड देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, वुड देते हैं, उन पर बर्ड्स आकर बैठते हैं, स्टिल ट्रीज नेवर कंप्लेन। तो इस तरीके का टॉलरेंट बिहेवियर डिवोटीज कैसे कल्टिवेट कर सकते हैं, आप यू थिंक अबाउट इट एंड राइट इन द कमेंट्स, बिकॉज इट इज ईजियर सेट देन डन, इट्स नॉट ईजी। इतना सहनशीलता, इतनी रेजिलियंस, इतना टॉलरेंस कैसे डेवलप किया जाए, वॉट डू यू थिंक, कमेंट्स में लिखिए आपके क्या थॉट्स हैं, आई वुड लाइक टू सी। कमला अय्यर जी, हरे कृष्णा अनुग्रह जी, प्योर डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा, अनफ्लिंचिंग फेथ ऑन लॉर्ड कृष्णा, सर्व लॉर्ड एज हिज सर्वेंट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। आपका फेथ वाला पॉइंट बहुत अच्छा है और बाकी भी आपने ठीक लिखा है, लेकिन स्पेसिफिकली सिक्स लिम्स हैं सरेंडर के जो मैं देखना चाह रही थी। और कोई बात नहीं अनुग्रह जी, अभी हम उसके बारे में और फर्दर, हो सकता है कोई और डिवोटी लिखे, अदरवाइज आई विल mention them here and you can save it. Nidhi Gupta ji, sadhu sangha, spreading Krishna consciousness, honoring prasadam, chanting holy names, doing activities to please Krishna. Wonderful. So Nidhi ji and Anu ji, aapne jo points likhe na, ye bahut hi practical and actually real life of bhakti ke jo hamara lifestyle hai, aapne us pe basis karke likha hai. Lekin hamare Vaishnav acharyas ne jis tarike se अपनी पर्पट्स में एक्सप्लेन किए ना ये पॉइंट्स, उसकी भी लिस्टिंग हमें हो सके तो मेमोराइज कर लेनी चाहिए, जिसके बारे में मैं अभी आपसे शेयर करने वाली हूँ। निधि गुप्ता जी, हैविंग सेवा भाव फॉर प्योर डिवोटीज, यस, टू सर्व द सेंटली। गीता देशा जी, काइंडनेस, ट्रूथफुलनेस, सिंसियरिटी, ह्यूमिलिटी, सिंप्लिसिटी, वैल्यूइंग साधु संध्या, डिसिप्लिन इन एवरीथिंग दे डू, एंथुसियास्टिक, एम्पैथेटिक। वंडरफुल, आप सब वैष्णव क्वालिटीज लिख रहे हैं, लेकिन आइए, ओ वैसाखी जी का कमेंट हमने मिस कर दिया था और अनुगर्ग जी का पिछला वाला कमेंट भी मिस कर दिया था, तो अब हम उसको रीड करने जा रहे हैं। दोज आर द रेस्पॉन्सेज वी शुड मेडिटेट ऑन। एक्सेप्ट फेवरेबल थिंग्स इन द पाथ ऑफ भक्ति, रिजेक्ट अनफेवरेबल थिंग्स। वंडरफुल अनुगर्ग जी, और फिर बैसाखी जी ने सिक्स डिविजन्स एग्जैक्टली आइडेंटिफाई किए हैं। जो व्यूअर्स पहली बार आए हैं जरूर बैसाखी जी का कमेंट पढ़ें। Feeling exclusively depending on mercy of Krishna, attached to the favorable conditions for bhakti, rejecting unfavorable things, always be humble, have no desire separate from Krishna, and feeling exclusively surrendered onto Krishna. So dear devotees, ye jo 6 points hain, how does one surrender to Krishna?
What are the six limbs of surrender? These are the ones which we have to apply in our life. और आपको पता है श्रीला प्रभुपाद जी ने इतने सारे लेक्चर्स में, इतने सारे पर्पट्स में, इतने सारे कन्वर्सेशंस में इसी टॉपिक ऑफ सरेंडर को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया है ताकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल कैन अंडरस्टैंड इट एंड दे कैन कम टू कृष्णा। एक ऐसा ही सेक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं सरेंडर टू कृष्णा वॉट एवर यू पोजेस। और आपके पास क्या है? यू पोजेस योर बॉडी, यू पोजेस योर माइंड एंड इट मे बी यू पोजेस योर होम, वाइफ, चिल्ड्रन और हस्बैंड। दिस इज अवर पोजेशन, है कि नहीं? हम सभी सोचते हैं हमारे पोजेशंस हैं। तो जब हम सरेंडर करते हैं तो हमें प्रे करना होता है, माय डियर लॉर्ड, व्हाट एवर आई हैव गॉट दिस बॉडी, आई हैव गॉट माय लिटिल माइंड स्पेकुलेशन एंड यू नो अ होम, अ हस्बैंड, अ वाइफ, सो एवरीथिंग इज नाउ सरेंडर टू यू। और इसके लिए एक पॉपुलर वैष्णव सॉन्ग भी है भक्ति विनोद ठाकुर का, वो कहते हैं मानसा देहो गेहो जो किछु मोर। कभी वक्त होगा तो हम ये सॉन्ग भी साथ ही में डिस्कस करेंगे, पर आज उसका जस्ट रेफरेंस दे रही हूँ। उसका समिंग सब्सटेंस ये है, वो जो वैष्णव सॉन्ग है, कि वी डोंट पोजेस मच, वी पोजेस वॉट एवर भगवान हैज गिवन अस, जो कि थोड़ा बहुत है। तो वॉट एवर वी पोजेस, एवरीथिंग इज सरेंडर टू यू विदाउट एनी रिजर्वेशन, बिना संकोच के भगवान, इट इज सरेंडर टू यू एंड दिस इज अ मूड ऑफ सरेंडर। तो जो गेस्ट आते थे श्रीला प्रभुपाद जी के पास, वो इस तरह के क्वेश्चन पूछते थे और श्रीला प्रभुपाद जी उनको रिस्पॉन्स देने की कोशिश करते थे इन अ मैनर कि जो ऑडियंस है वो कनेक्ट कर पाए, ठीक से समझ जाए। तो एक बार किसी ने पूछा उनसे, हाउ डज वन सरेंडर टू कृष्णा? तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से उन्हें समझाया जो मैंने अभी अभी कवर किया आपके साथ। उसके बाद अगला पर्सन पूछता है, तो सरेंडर करना होता है कि हैपन हो जाता है, वो अपने आप हो जाता है? तो श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, यू आर ऑलरेडी सरेंडर्ड, आप ऑलरेडी आपने शरण ली हुई है, लेकिन किसके लिए हुई है? यू आर सरेंडर्ड टू द पुलिस ऑफ गॉड। भगवान की पुलिस कौन है? तो वो एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे सिटीजन होते हैं ना, नागरिक, उनको सरेंडर करना होता है, उन्हें सरेंडर करना होता है पुलिस को या फिर गवर्नमेंट को। अगर वो सरेंडर करते हैं गवर्नमेंट को, देन उन्हें पुलिस की कस्टडी में नहीं जाना पड़ता। तो इंस्टेड ऑफ सरेंडरिंग टू कृष्णा, हमने किसे सरेंडर किया है? माया को। और फिर माया हमें पनिश कर रही है। आपको पता है इसके लिए एक बहुत ही पॉपुलर भगवद्गीता की वर्स है, उसे नोट कर लीजिए, भगवद्गीता चैप्टर 7 वर्स नंबर 14। ये लीजिए मैं आपके साथ, लेट मी ओपन इट अप सो दैट यू कैन ऑल रेफर टू इट। हरे कृष्णा, भागवत गीता चैप्टर 7 वर्स नंबर 14। आई एम ऑन चैप्टर 7 एंड ये रही, और वो वर्स है, देवेश गुणमयी मम माया दुरात्यया मामेव ये प्रपंद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते। देवेश गुणमयी मम माया दुरात्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, द डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड विच कंसिस्ट ऑफ 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, इट इज डिफिकल्ट टू ओवरकम। लेकिन कौन ओवरकम कर सकता है? But those who have surrendered to me can easily cross beyond it. भगवान की तो innumerable energies हैं, ठीक है, और सारी energies divine हैं, और सारे living entities जो हैं वो part हैं भगवान की energies के, और इसलिए उनमें divinity भी है, divine qualities हैं। But due to contact with material energy, उनका original superior power cover हो गया है, और जब इस तरीके से मटेरियल एनर्जी से वो कवर हो जाते हैं तो यू नो लिविंग एंटिटीज उसका इन्फ्लुएंस ओवरकम नहीं कर सकते हैं। और ये जो मटेरियल और स्पिरिचुअल नेचर है ना, ये सब भगवान से ही आए हैं, भगवान के ही एमिनेशंस हैं और एटर्नल हैं। तो जो लिविंग एंटिटीज हैं दे बिलोंग टू एटर्नल सुपीरियर नेचर ऑफ भगवान,
बट क्योंकि कंटेमिनेशन है, कंडीशनिंग है हम सभी लिविंग एंटिटीज में, बाय व्हाट? बाय इंफीरियर नेचर, मैटर जिसको बोलते हैं श्रील प्रभुपाद, तो उनका इल्यूजन भी एटर्नल है। तो कंडीशन सोल को इसलिए नित्य बद्ध बोला जाता है या फिर एटर्नली कंडीशन। हमने जब ये चैप्टर शुरू किया था ना चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला चैप्टर 22, तो वी टॉक्ड अबाउट टू काइंड्स ऑफ लिविंग एंटिटीज, नित्य बद्धा एंड नित्य मुक्ता। तो जो नित्य बद्धा है एटर्नली कंडीशन, तो इस तरीके से कोई ट्रेस आउट नहीं कर सकता है हिस्ट्री कि ये कंडीशनिंग कब शुरू हुई या उसकी कुछ डेट थी क्या हिस्ट्री में। कंसिक्वेंटली इस मटेरियल कंडीशनिंग से, इस क्लचेज ऑफ माया से बचने के लिए, जो कि बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि ये मटेरियल एनर्जी जो माया है भगवान की इन्फीरियर एनर्जी है, तो ये अल्टीमेटली हो सकता है बाय सुप्रीम विल ऑफ भगवान, जो कि केवल ऑन अवर ओन लिविंग एंटिटी ओवरकम नहीं कर सकते। तो इन्फीरियर मटेरियल जो नेचर होता है उसको यहाँ पर डिवाइन नेचर बताया गया है, क्योंकि उसका डिवाइन कनेक्शन है और मूवमेंट जो है वो भगवान की ही विल से है। एंड बीइंग कंडक्टेड बाय डिवाइन विल, मटेरियल नेचर जो है माया है, जो कि इन्फीरियर है, लेकिन वो इतना वंडरफुल एक्ट करती है इन कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ये जो पूरा क्रिएशन है, कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है। तो इस तरीके से यू नो देवी एश गुणमयी, गुण का मतलब होता है रोप। इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट कंडीशन सोल इज टाइटली टाइड बाय द रोप्स ऑफ इल्यूजन। हमारी जो कंडीशनिंग है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ अवर इल्यूजन्स। और इसको शास्त्र में बताया गया है कि कंडीशन सोल इज स्ट्रांगली टाइड बाय रोप्स ऑफ इल्यूजन। जिस तरह से एक आदमी बाउंड होता है ना, हैंड्स और फीट उसके बंध जाते हैं, तो अपने आप को फ्री नहीं कर सकता। ही मस्ट बी हेल्प बाई अ पर्सन, जो कि स्वतंत्र है, वो उसको फ्री कर सकता है। और जो ऑलरेडी बंधा हुआ है वो किसी बंधे हुए को थोड़ी फ्री कर सकता है। तो इसलिए जो छुड़ाने आता है वो ऑलरेडी लिबरेटेड होता है। इसलिए ओनली भगवान जो है, लॉर्ड कृष्णा जो है, या फिर उनके बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव द स्पिरिचुअल मास्टर, द जेन्युइन गुरु, वो रिलीज कर सकते हैं कंडीशन सोल्स को। और इस तरीके की सुपीरियर हेल्प के बिना इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस लिविंग एंटिटीज टू बी फ्रीड फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ मटेरियल नेचर। तो डिवोशनल सर्विस की क्या इंपॉर्टेंस है, भक्ति की, कृष्णा कॉन्शियसनेस की। दिस कैन हेल्प अस ऑल गेन सच रिलीज, हमें मुक्ति मिल सकती है। कृष्णा बीइंग द लॉर्ड ऑफ इल्यूजरी एनर्जी, भगवान तो लॉर्ड हैं सारी एनर्जीज के, तो वो माया के भी लॉर्ड हैं। तो कृष्णा बीइंग द लॉर्ड ऑफ इल्यूजरी एनर्जी, ही कैन ऑर्डर दिस इनसरमाउंटेबल एनर्जी। अब देखिए इनसरमाउंटेबल वर्ड का मीनिंग देख के बताइए, क्विकली कमेंट्स में लिखिए व्हाट इज मेंट बाय इनसरमाउंटेबल। जहां तक मुझे आइडिया है, इनसरमाउंटेबल का अर्थ है जिसको, जिसके अक्रॉस नहीं जा सकते आप, जिसके पार नहीं जा सकते, जिसको ओवरकम नहीं कर सकते। तो शिला प्रभुपाद जी यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, कृष्णा बीइंग द लॉर्ड ऑफ इल्यूजरी एनर्जी कैन ऑर्डर दिस इनसरमाउंटेबल एनर्जी टू रिलीज द कंडीशन सोल। सो भगवान के ऑर्डर पे, भगवान की सुप्रीम विल पर माया जो है रिलीज कर देती है कंडीशन लिविंग एंटिटी को। और ये भगवान की कॉजलेस मर्सी होती है ऑन द सरेंडर्ड सोल, जो आत्मा जो भगवान की शरण ले लेते हैं, शरणागत हो जाते हैं, उन पर भगवान की कॉजलेस मर्सी होती है। एंड आउट ऑफ हिज पैटर्नल अफेक्शन फॉर लिविंग एंटिटी, क्योंकि भगवान इज अवर सुप्रीम फादर और भगवान क्या है, भक्तवत्सल है, तो भगवान इज वेरी अफेक्शनेट, ही इज अवर फादर। तो इसलिए यहाँ बोला गया है पैटर्नल अफेक्शन के कारण हम सब पर, हम सब भगवान के बिलवर्ड चिल्ड्रन हैं। तो ये भगवान की हम पर असीम अनुकंपा होती है कि भगवान हमें आजाद करा देते हैं फ्रॉम क्लचेस ऑफ माया। देयरफॉर सरेंडर टू द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड, भगवान की शरणागति लेना ही द ओनली मीन्स टू गेट फ्री फ्रॉम क्लचेस ऑफ स्ट्रिंजेंट मटेरियल नेचर। तो इस तरीके से माया के इल्यूजन से हमें फ्रीडम मिल सकती है
इफ वी सीरियसली सरेंडर एट द लोटस फीट ऑफ भगवान। हरि बोल। लेट्स गो बैक टू अवर मेन वर्स, जहां पर हम थे और जहां से ये डिस्कशन शुरू हुआ था। सो वी वर टॉकिंग अबाउट टेक्स्ट नंबर 78 से 80, और हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया ऑन द टॉपिक ऑफ सिक्स लिम्स ऑफ सरेंडर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से शिला प्रभुपाद जी से जब किसी ने पूछा था कि सरेंडर करना पड़ता है या अपने आप हो जाता है, तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा, हम सब ऑलरेडी शरणागत हैं, लेकिन हमने गलत जगह शरण ली हुई है, वी हैव सरेंडर टू माया, लेकिन हम उसको ओवरकम कर सकते हैं विद कॉजलेस, विद स्पेशल मर्सी ऑफ भगवान, या फिर भगवान का जो रिप्रेजेंटेटिव है, स्पिरिचुअल मास्टर, इफ वी टेक शेल्टर ऑफ अ गुरु, अ जेन्युइन गुरु। So if we want to get relief from punishment of Maya, then we have to seriously surrender to Krishna. हमारी पोजीशन है सरेंडर की, चाहे हम भगवान को सरेंडर करें या फिर माया को। हरि बोल। लेट मी सी योर कमेंट्स। हरे कृष्णा। नीरू जी, बैसाखी जी, प्रभुपाद सेड ओरिजिनली वी आर ऑल कृष्णा कॉन्शियस, वी आर ऑल कृष्णा कॉन्शियस, यस, बट ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद मटीरियल वर्ल्ड वी डोंट रियलाइज इट, सो वी नीड टू चैंट हरे कृष्णा महामंत्र एंड फ्री फ्रॉम दिस माया। एग्जैक्टली, वाई चैंट हरे कृष्णा महामंत्र? क्योंकि हरे कृष्णा महामंत्र इज द यूनिवर्सल प्रेयर। इट वी आर क्राइंग आउट टू लॉर्ड कृष्णा, टू मदर राधे, to please engage us in their devotional service. और ये cry है, जो prayer है ना, it is a cry to give shelter at their lotus feet. And when we choose Krishna like this, then Bhagwan saves us from the clutches of Maya. So Bhupesh ji, Deepak ji, Priyanka ji, Mehul Rana ji, Vikrant ji, Hare Krishna. जितने new लोग हैं सभी का अभिनंदन, स्वागत। हम कर रहे हैं सिक्स्थ इन द सीरीज ऑफ हाउ टू सीरियसली सरेंडर टू कृष्णा। और नीरू जी, आपका कमेंट, यू आर टॉकिंग अबाउट दैट कांट बी ओवरकम। व्हाट कांट बी ओवरकम? यू आर टॉकिंग अबाउट माया, इट कांट बी ओवरकम? नो डियर, माया कैन बी ओवरकम। यही पॉइंट था ये जो पिछला हमने डिस्कशन किया, माया कैन बी ओवरकम विद द स्पेशल कॉजलेस मर्सी ऑफ भगवान। वरुण जी, विजय जी, किटकट जी, हरे कृष्णा। आपका हमें इस कमेंट समझ में नहीं आया, किटकट जी प्लीज राइट इन इंग्लिश और हिंदी। गीता जी, आई वांट टू रीड योर कमेंट बिफोर वी रिज्यूम आवर डिस्कशन ऑन वर्स नंबर 80। वी गेट सो एंटैंगल्ड इन माया दैट वी मे नॉट बी मोटिवेटेड टू एंगेज इन डिवोशनल सर्विस। वी मे फॉल्सली बिलीव दैट वी आर इन कंट्रोल ऑफ अवर लाइव्स, बट एक्शंस, अवर एक्शंस एंड प्लान्स, एग्जैक्टली, ये कहलाती है स्टेट कंडीशनिंग की। लोअर मोड्स ऑफ नेचर में वी आर सो मच अंडर इल्यूजन, वी डोंट वॉन्ट टू टर्न टू कृष्णा। और इस तरीके से हमने पिछली दो क्लासेस में डिस्कस किया, फोर कैटेगरीज ऑफ पीपल कम टू कृष्णा एंड फोर कैटेगरी ऑफ दुष्कृतना कहलाते हैं, जो भगवान के पास नहीं आते हैं, वो कंडीशन रहते हैं एंड दे डू नॉट वॉन्ट टू सरेंडर टू कृष्णा। लेकिन आपका कमेंट आ गया है, बट वेन वी रीच द एंड ऑफ अवर लाइफ एंड रियलाइज दैट वी आर इन भगवान्स कंट्रोल, इट मे बी टू लेट टू चैंट द महामंत्र एंड बीट भगवान, एंड यू मीन रीच भगवान लोटस फीट। एग्जैक्टली, तो इसलिए वी लिव अ लाइफ ऑफ ट्रेनिंग इन टेकिंग भगवान शेल्टर, वी लिव अ लाइफ of bhakti, so that whenever the last time happens, Krishna's name will be on our tongue, or we may be doing smaranam on something about Krishna bhakti by Bhagwan's mercy or by devotee's mercy. Gopal ji, Hare Krishna. निधि गुप्ता जी, नीरू जी, अनसरमाउंटेबल का मीनिंग लिखा था आपने, ओके ओके, अनसरमाउंटेबल मीन्स दैट विच कैन नॉट बी ओवरकम, वंडरफुल, थैंक यू सो मच, यस। सो मोनू सिंह जी, अवनीत जी, बैसाखी जी, यस, आई गॉट इट डियर डिवोटीज। आगे बढ़ते हैं, हरि बोल। फॉर द न्यू व्यूअर्स, हम बहुत ही इंटरैक्टिव रीडिंग कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत की। जिन्होंने मिस कर दिया है लिंक को, मैं आपके लिए ये लिंक फिर से शेयर कर रही हूँ।
हम रीड कर रहे हैं वर्स नंबर 80 ऑनवर्ड्स। ये जो लिंक हमने शेयर की है, आप इस पर जाइए और 80 वर्ड पर सर्च करिए, आप तुरंत पहुंच जाएंगे। लक्ष्मी जी, हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस इन अवर प्रोग्राम। गीता देशा जी, इट्स ओके, दैट हैपेंस विद मी टू। हरि बोल। तो आफ्टर वी नो ऑल दीज ब्यूटिफुल क्वालिटीज ऑफ वैष्णवास इन दिस लाइफ ऑफ भक्ति, वी फील सो एंथुसियास्टिक, वी फील सो मच, यू नो, इन अवर हार्ट वी मे फील सो मच मोटिवेशन एंड द डिजायर टू कंटिन्यू ऑन दिस पैथ ऑफ सर्विंग कृष्णा। एट द सेम टाइम वी हैव ऑलवेज डिस्कस सिक्स प्रिंसिपल्स रूपा गोस्वामी जी ने जो बताए हैं, जिससे वी कैन एक्सपीरियंस रैपिड स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। और उसमें खास पॉइंट है, वी शुड ऑलवेज सेलेक्ट, वी शुड ऑलवेज मेक अ चॉइस फॉर साधु संगा, वी शुड ऑलवेज लुक फॉर डिवोटी एसोसिएशन, एंड वी शुड अवॉइड द एसोसिएशन और कंपनी ऑफ पीपल हु आर इन टू मच मटीरियल कॉन्शियसनेस, क्योंकि अपनी संगति से हमारा जो लाइफस्टाइल है वो अफेक्ट हो जाता है। तो अगर सीरियसली हम भगवान को प्लीज करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू मेक प्रोग्रेस इन डिवोशनल लाइफ, वी शुड मेक द चॉइसेस अकॉर्डिंगली। एंड भागवत गीता की जब हम टीचिंग्स पढ़ते हैं, इट इज़ अ बुक ऑन हाउ वी शुड मेक चॉइसेस इन लाइफ। डे टू डे वी आर प्रेजेंटेड दिस, अवर डीलिंग्स इज लाइक बैटल फील्ड, यू नो, वी हैव टू मेक चॉइसेस, वी आर इन डिलेमा, वी मे बी डिसअपॉइंटेड एट सर्टेन टाइम्स, we may be discouraged, we may be in distress, or we may have lot of opportunities which may seem like a path of success but has nothing to do with krishna. to hum jab is tarah se spiritual literature padhte hain, we read the vaishnava acharya's teachings, we get an insight, hame knowledge milti hai ki day to day life mein how do we make choices, how do we become a better person, how do we surrender to krishna, how do we understand the purpose of life, and how do we attain the supreme goal of life. Hari bol. So after reading the characteristics of devotees, pure devotees, vaishnavas, verse number 81 par aate hain. Devotees are always tolerant, forbearing and very merciful. They are well wishers of every living entity. They follow scriptural injunctions, and because they have no enemies, they are very peaceful. These are the decorations of the devotees. So ये बहुत ही प्यारी, बहुत ही important verse है, इसको थोड़ी देर discuss करेंगे। आप सभी के reference के लिए मैं share कर दूँ, आज हम verse number 85 तक करेंगे, लेकिन पिछली verse पर मैंने एक और question पूछा था जो सभी से miss हो गया है। वो question ये था, how do we develop tolerance, what do you think? I want a little bit discuss about this, kyunki ye verse number 18 mein fir se mention kiya gaya hai. Devotees are always tolerant, forbearing and very merciful. How do we develop tolerance, how do we develop resilience, how can we overlook all kind of disrespect, humiliation from others, but we have to always give respect to others. तो हमें ऐसी एबिलिटी कैसे डेवलप हो सकती है? व्हाट आर योर थॉट्स? प्लीज शेयर इन द कमेंट्स, आई वांट टू सी योर थॉट्स, योर आइडियाज, सो वी कैन डिस्कस इट लिटिल फर्दर। क्योंकि जब हम ये डिवोशनल लाइफ की बात कर रहे हैं ना, तो वी नो होली नेम्स में बहुत पावर है, बहुत पोटेंसी है, एंड वी कैन डेवलप द डिवाइन क्वालिटीज। However, how does it happen? We have discussed somewhat around this topic several times in last several lectures, but I want to know your thoughts. Let me see in the comments. Please share something. Shambhu Mandal ji, Hare Krishna. Seema Sharma ji, tolerance kaise develop kiya jaye? Day to day life mein hume itna jada provocation milta hai kai baar. Hamare experience aise hote hain loved ones ke saath, friends ke saath, families ke saath. We are constantly tested for our tolerance. जब हम sincerely surrender करना चाह रहे हैं, तो you know there are situations happening around us जहाँ पर हमारा faith test हो जाता है। तो ये tolerance और humility के topics बार बार आते हैं। So how do we develop? How do we become more humble? How do we become tolerant? And does anybody want to comment on that? Please do.
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई एम जस्ट गोइंग टू वेट टू मोर सेकेंड्स एंड देन चेक कमेंट्स। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपको पता है शिला प्रभुपाद जी टॉलरेंस के बारे में बताते हैं कि बहुत सारे उन्होंने लेक्चर्स में रेफ़र किया है कि टॉलरेंस का मतलब क्या है। तो वो कहते हैं तितिक्षवा, ये वर्ड यूज़ किया जाता है संस्कृत में। दिस इज़ द फर्स्ट क्वालिफिकेशन ऑफ ए सेंटली पर्सन, टॉलरेंस, वेरी टॉलरेंट। टॉलरेंस का मतलब होता है वन शुड बी प्रैक्टिस टू बियर इंसल्ट एंड डिसऑनर फ्रॉम अदर्स। अब आप बताइए, अगर पहले से किसी को, अगर ऐसे जो नया पर्सन हो भक्ति में, अगर उसे ऐसा एक्सपीरियंस हो कि भाई आपको तो सब कुछ सहना पड़ेगा, तो वहीं उसका फेथ काफ़ी शेक हो जाता है। तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ़ वन इज़ एंगेज्ड इन एडवांसमेंट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, यानी भक्ति के पाथ पर, उसमें काफ़ी इम्पेडिमेंट्स आते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंसेस होते हैं, कई बार इंसल्ट सहनी पड़ती है, डिसऑनर भी होता है। एंड ये एक्सपेक्टेड होता है क्योंकि हमारे अराउंड जो माया है ना, और माया के इन्फ्लुएंस में है लोग, तो उस इन्फ्लुएंस के कारण पीपल बिहेव डिफरेंटली। और जब वन, यू नो, व्हेन वन लर्न्स हाउ टू टॉलरेट दीज टेम्पररी पेन्स एंड प्लेजर्स इन एवरी कंडीशन ऑफ लाइफ, देन ही इज एडवांस्ड। ऐसा हमारे शास्त्रों में वैष्णवाचार्य ने बोला है, और स्वयं भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि ये जो टेम्प्ररी अपीयरेंस ऑफ समर एंड विंटर, हीट एंड कोल्ड, हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, इस तरीके के जो हम एक्सपीरियंस करते हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, ये सब टेम्प्ररी हैं, एंड वी शुड नॉट गेट बिविल्डर्ड, वी शुड बी लाइक अ सेज ऑफ स्टडी माइंड। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान इतने काइंड हैं, भगवान तो करुणा सिंधु है, ही इज एन ओशन ऑफ मर्सी, और द लॉर्ड इज सो काइंड टू हिज डिवोटी दैट व्हेन सीवियरली टेस्टिंग हिम, दीज सिचुएशंस आर लाइक टेस्ट फॉर ए डिवोटी, बट व्हेन सीवियरली टेस्टिंग हिम, भगवान गिव्स हिम द स्ट्रेंथ, भगवान फोरबियरेंस की एबिलिटी देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं टू बी टॉलरेंट एंड कंटिन्यू टू रिमेन अ ग्लोरियस डिवोटी। और ये कली एज है, और इसके इफ़ेक्ट्स इतने स्ट्रांग हैं कि इवन डिवोटीज को भी काफ़ी एक्सपीरियंसेस होते हैं। लेकिन अगर हम ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं कि वॉट एवर इज़ हैपनिंग विद द विल ऑफ द लॉर्ड, एंड दैट भगवान इज़ काइंड टू हिज डिवोटीज, वी शुड कीप अवर होप, वी शुड कीप अवर फेथ, एंड वी शुड होल्ड टाइट टू द लोटस फीट ऑफ द डिवोटीज। Then, by the power of Sadhu Sangha, by the virtue of the mercy of devotees and mercy of Bhagwan, we can be more tolerant. Our recommendation kya hai? We should be more tolerant than a tree, and we should be more humbler than the straw in the street. To seva jab karte hai na, when we serve, we develop these qualities, we manifest these qualities of tolerance and humility. और शिला प्रभुपाद जी ने ये भी स्ट्रेस किया है बार बार कि अ पर्सन हु इज सिचुएटेड इन द मोड ऑफ गुडनेस, जो सात्विक मोड में होते हैं ना लोग, वो मोर इंटेलिजेंट होते हैं दूसरों से, और वो प्रैक्टिस कर सकते हैं ब्राह्मणिकल एक्टिविटीज जैसे कि ट्रूथफुलनेस, कंट्रोलिंग द सेंसेस, कंट्रोलिंग द माइंड, क्लेनलीनेस, प्रैक्टिसिंग टॉलरेंस एंड हैविंग द फुल नॉलेज अबाउट अवर संबंध ज्ञान विद भगवान एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो बार बार स्ट्रेस यही है कि वन शुड बी मीक एंड हम्बल इन हिज पर्सनल ट्रांजेक्शंस, एंड इफ बाई मिस्टेक कुछ ऑफेंस हो भी जाती है अपने से, तो तुरंत हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए। और अगर बाई चांस हमें लगता है ऐसी सिचुएशन हो रही है जहाँ हमारा टॉलरेंस टेस्ट हो रहा है, तो हमें भगवान से हृदय में प्रे कर लेना चाहिए, लेकिन क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर अपने ही कानों से हम किसी वैष्णव की निंदा सुन रहे हैं,
तो यू नो वी हैव चॉइसेस टू मेक डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. वी कैन बिकम एंग्री. अगर किसी वैष्णव की हम निंदा सुन रहे हैं तो वी कैन बी एंग्री और वी कैन मेक अ चॉइस डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज गुड फॉर अ डिवोशनल लाइफ इन अ मूड ऑफ सरेंडर. तो ये जो हमने आपसे अभी अभी कुछ टीचिंग्स जो डिस्कस की, आई होप दिस इज रियली हेल्पफुल. अब मैं आपके कमेंट्स चेक करूंगी, आपने क्या पॉइंट्स लिखे हैं, हाउ टू डेवलप दिस टॉलरेंस. हरे कृष्णा. ऑलराइट, राधा जोगीता मंडल जी, हरे कृष्णा. गीता जी, फर्स्टली वी मस्ट ट्रस्ट भगवान अनक्वेश्चनेबली. वी ट्रस्ट हिम टू हेल्प अस बियर ऑल ट्रिबुलेशंस, फेस ऑल डुअलिटीज, गेट अप एंड राइज अगेन फ्रॉम चैलेंजिंग सिचुएशन. दिस ट्रस्ट मेक्स अस टॉलरेंट. यस गीता जी, आपका पॉइंट बहुत अच्छा है, क्योंकि फेथ जितना स्ट्रांग होगा ना, वो फेथ भी टेस्ट होता है, एट द सेम टाइम अवर टॉलरेंस इज ऑल्सो टेस्टेड. बट वी हैव बेटर टॉलरेंस गोइंग थ्रू ऑल दीज टेस्ट, येट होल्डिंग ऑन विथ ट्रस्ट एंड फेथ. बैसाखी जी, विथ साधु संग ऑफरिंग भोगा चैंटिंग महामंत्रा. बैसाखी जी, आप तो बहुत ही प्रैक्टिकल हो, और आपने जो बातें लिखी हैं, देखिए प्रसादम लेने से, कृष्ण प्रसादम लेने से हमारी कॉन्शियसनेस ट्रांसफॉर्म होती है. कॉन्शियसनेस ट्रांसफॉर्म होती है तो हृदय भी ट्रांसफॉर्म होता है, एंड वी कैन हैंडल बेटर ऑल द सिचुएशंस, विच मीन्स मोर टॉलरेंस. साधु संग में वी लर्न मोर अबाउट हाउ वी कैन इम्प्रूव अवर टॉलरेंस, एंड ऑफ कोर्स चैंटिंग महामंत्र इज द सॉल्यूशन टू एवरीथिंग. तो आपने बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से रेस्पॉन्स दिया है, वेरी नाइस. मीनाक्षी सराफ जी, हरे कृष्णा. अनुगत जी, बाय एसोसिएटिंग ऑल अवर एक्टिविटीज विद कृष्णा एंड मेक कृष्णा एज द मेन सेंटर ऑफ योर एक्ट्स एंड बाय रिमेम्बरिंग लॉर्ड्स पास्ट टाइम. अनुगत जी, आपने भी हम सभी को इंटरेस्ट कर लिया टूवर्ड्स द ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस. डिवोशनल सर्विस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन टू एवरीथिंग. परफेक्ट आंसर. बैसाखी पटी जी, टोटल सरेंडर टू कृष्णा विद अनफ्लिंचिंग फेथ. यस, क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं ये सब बातें, लेकिन जब सिचुएशन आती है तो सभी का टॉलरेंस टेस्ट हो जाता है, एंड देन इन साधु संगा व्हेन वी रीड सच सजेशंस एंड गाइडलाइंस, इट हेल्प्स अस रिमेम्बर हाउ वी कैन अप्लाई इट. हरे कृष्णा. निधि जी, विद अनफ्लिंचिंग डिवोशनल फेथ इन कृष्णा एंड हैविंग स्पिरिचुअल नॉलेज ऑफ अवर शास्त्रस. यस, नॉलेज से ही देन यू कैन अप्लाई इट प्रैक्टिकली विद द हेल्प ऑफ डिवोटीज. किटकैट जी, आई वुड रिकमेंड आप कमेंट्स करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स आप अलग अलग तरीके से अलग लैंग्वेज में लिख रहे हैं, एंड इट्स कॉजिंग अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन. ओके, या तो आप इंग्लिश में लिखिए या फिर हिंदी में लिखिए. बट इफ यू आइडेंटिफाई यू आर जस्ट यू नो कॉजिंग डिस्ट्रैक्शन, विल हैव टू बैन यू. हरी बोल. अनिल कुमार जी, हरे कृष्णा. आदित्य चमलिंग जी, हरी बोल. आगे बढ़ते हैं डियर डिवोटीज, हमें आज करना है वर्स नंबर 85 तक, एंड वी आर ऑन वर्स नंबर 81, जिसमें ये रिमाइंडर है, टीचिंग है भगवान की टू सनातन गोस्वामी, एंड सिंस वी आर फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ वैष्णव आचार्यस, द प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, दीज टीचिंग्स आर फॉर अस. सो हमें वेल विशर होना है एवरी लिविंग एंटिटी के लिए. इसका मतलब ये है, वी शुड बी काइंड एंड कंपैशनेट टू एवरीवन, एंड वी हैव टू फॉलो द स्क्रिप्चुरल इंजंक्शंस. और हमें अपना माइंडसेट ऐसे रखना है, देर आर नो एनिमीज, और इस तरीके से वी कैन अल्टीमेटली बी पीसफुल. और ये डेकोरेशंस हैं डिवोटीज के, यानी कि रिकमेंडेशन है फॉर डिवोटीज. और पर्पट में एक्सप्लेन किया गया है कि जब सेजेस ने क्वेश्चन किया था अबाउट कपिल देव द इनकारनेशन ऑफ गॉड हेड, ये पूरा जो कैंटो 3 है ना, जो जीव तत्व प्रभु जी टूवर्ड्स द एंड अभी पहुंचने वाले हैं, पूरे कैंटो 3 में यही टीचिंग्स है सांख योगा की, अबाउट द फ्रूटिव एक्टिविटीज ऑफ लिविंग एंटिटीज, एंड बाय हाउ बाय एंगेजिंग इन डिवोशनल सर्विस वन कैन गेट फ्री फ्रॉम द इल्यूजन्स एंड कम क्लोजर टू भगवान. तो यहाँ बताया जा रहा है कि जब क्वेश्चंस पूछे गए कपिल देव से, किसने पूछे थे क्वेश्चंस? क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय हिज ओन मदर देवहूति, एंड तब कपिल देव जी ने एक्सप्लेन की थी साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. और यहाँ पर कन्वर्सेशन भी एक्सप्लेन था बिटवीन विदुर एंड मैत्रेय. तो ये जो सारे कन्वर्सेशन एंड टॉक्स है ना श्रीमद भागवतम के,
इनसे हमें यही नॉलेज मिलती है। क्या बताई गई है लास्ट टू लाइंस में, लॉर्ड स्टेट्स दैट अटैचमेंट टू मटेरियल थिंग इज द कॉज ऑफ कंडीशन लाइव्स। अटैचमेंट, अटैचमेंट कैसे आता है? अटैचमेंट आता है कंडीशनिंग के कारण, और इसी अटैचमेंट के कारण लस्ट आता है, लस्ट से एंगर आता है, एंगर से मेमोरी बिविल्डर हो जाती है और इल्यूजन पर्सन्स इंटेलिजेंस इज लॉस्ट एंड देन ही फॉल्स डाउन। तो ये एक साइकिल है, ये पूरी डिस्क्राइब्ड है भगवद गीता की टीचिंग्स में, पर्पट्स में भी डिटेल में प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर मैंशन है कि अटैचमेंट टू मटीरियल थिंग इज द कॉज ऑफ कंडीशन लाइफ, और जब समवन बिकम्स अटैच टू ट्रांसेंडेंटल थिंग्स ही इज ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन। कैन यू मैंशन इन कमेंट्स वॉट आर सम ऑफ द ट्रांसेंडेंटल थिंग्स? यहाँ लिखा है ना, वेन ए पर्सन बिकम्स अटैच टू ट्रांसेंडेंटल थिंग्स ही इज ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन, और ट्रांसलेशन में डिस्क्राइब्ड है कि दे बिकम पीसफुल। सो वेन वन बिकम्स पीसफुल, यू नो, वेन ही बिकम्स, वेन ही इज ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन, वॉट आर दीज ट्रांसेंडेंटल थिंग्स जिससे अ पर्सन हैज टू बिकम अटैच टू? वॉट डू यू थिंक? प्लीज मैंशन इन द कमेंट्स, आई वॉन्ट टू सी। यहाँ पर स्क्रिप्चुरल इंजंक्शंस को फॉलो करते हुए वी हैव द रिकमेंडेशन इज वी शुड लिव अ लाइफ वेयर वी डेवलप अटैचमेंट टू ट्रांसेंडेंटल थिंग्स। वॉट डू यू थिंक आर दोज ट्रांसेंडेंटल थिंग्स? हरि बोल। निधि जी, विश्वनाथन जी, लक्ष्मी शर्मा जी, वरुण छाबरा जी, हरि बोल, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। इन द लाइफ ऑफ भक्ति वी शुड डिटैच फ्रॉम द मटीरियलिस्टिक थिंग्स, मटीरियलिस्टिक कॉन्शियसनेस, एंड वी शुड अटैच विथ ट्रांसेंडेंटल थिंग्स। वॉट आर दीज ट्रांसेंडेंटल थिंग्स? प्लीज मैंशन इन कमेंट्स। और अगर आपका कुछ रेस्पॉन्स नहीं आया तो आई विल एलेबोरेट ऑन दैट। लेकिन हमें ध्यान रखना है, हमने डिस्कस किया था द सिक्स लिम्स ऑफ सरेंडर के जो फर्स्ट टू पॉइंट्स थे, एक्सेप्ट एवरीथिंग विच इज फेवरेबल फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, एंड सेकेंड पॉइंट था रिजेक्ट एवरीथिंग विच इज अनफेवरेबल फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। दैट इज द क्लू। तो आप सोच कर अब कमेंट्स में लिखिए वॉट आर दोज ट्रांसेंडेंटल थिंग्स जिसका यहाँ रिकमेंडेशन दे रहे हैं शिला प्रभुपाद, जिनसे हमें अटैच होना है टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, टू एंगेज अवर सेल्व इन ट्रांसेंडेंटल लविंग डिवोशनल सर्विस, टू प्लीज कृष्णा, टू डेवलप दीज डिवाइन क्वालिटीज। ठीक है, डिवाइन क्वालिटीज यहाँ पर इतना ब्यूटिफुली एक्सप्लेन की गई हैं कि डिवोटीज दे आर फ्रेंडली, पोएटिक, एक्सपर्ट, साइलेंट, रेस्पेक्टफुल, ग्रेव, कंपैशनेट, सो दे आर फ्री ऑफ लस्ट, एंगर, ग्रीड, दे आर टॉलरेंट, फोरबियरिंग, मर्सीफुल, दे आर वेल विशर ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी, दे डोंट हैव एनी एनिमीज, एंड दे आर वेरी पीसफुल। एक्सक्यूज मी, सो वॉट डू यू थिंक? वॉट आर दीज ट्रांसेंडेंटल थिंग्स जिनसे डिवोटीज को अटैच होना है, जिसके कारण दे कैन, यू नो, मेक दिस काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट? हरि बोल। आई थिंक आई वेटेड इनफ, सो आई विल रेस्पॉन्ड टू दीज क्वेश्चंस। देखिए, देर आर फाइव पोटेंट वेज इन विच वन कैन प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस, और वही हैं ये पांच ट्रांसेंडेंटल थिंग्स। वैसे तो बहुत सारे हैं बट फाइव सबसे पोटेंट हैं, और वो मैं आपके लिए लिस्ट कर देती हूँ, आप रिलेट कर लेंगे। अनुग्रह जी ने रिस्पॉन्स दिया है, साधु संगा बाय बीइंग सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल पॉइंट्स। और भी पॉइंट्स हैं, तो आइए ये पांच पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। आई थिंक आई गेव यू इनफ टाइम एंड आई एम नॉट श्योर कोई और रिस्पॉन्स लिखने वाला है या नहीं, तो आइए अब मैं आपके साथ मेंशन कर देती हूँ ये व्हाट आर दीज ट्रांसेंडेंटल थिंग्स। दीज ट्रांसेंडेंटल थिंग्स आर, नंबर वन, रीडिंग स्क्रिप्चर्स लाइक श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत। हरि बोल। गीता जी का रेस्पॉन्स आ गया है, लेट मी फिनिश व्हाट आई वाज सेइंग एंड आपका फिर रेस्पॉन्स पढ़ते हैं। सेकेंडली, चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स। ओके, सो वी हैव टू अटैच टू दीज ट्रांसेंडेंटल थिंग्स एंड देन व्हाट विल हैपन? Then we'll be on the path of liberation. Actually, we will be on the path of pleasing Krishna. और आपको पता है, one who engages in devotional service, then all kinds of liberations
all kinds of economic development, everything, they stand like maid servant next to that bhakta. So isliye emphasis is on bhakti. So first one was reading scriptures, second chanting the holy names, third deity worship, bhagwan ke archi vigrah form ki worship karna, fourth serving the saintly devotees of bhagwan, fifth residing in a holy dham. तो ये जो पांच एक्टिविटीज हैं ये इतनी पोटेंट हैं, इवन एक जो बिगनर होता है ना, इट कैन प्यूरिफाई टू ग्रेट डिग्री द हार्ट ऑफ ए न्यू डिवोटी, अ न्यू फाइट एंड कॉज एक्सटेसी लव ऑफ कृष्णा इन देयर हार्ट. क्योंकि इन एक्टिविटीज में एंगेज जब हम करते हैं, ये ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज हैं और इनसे होता है नष्ट प्रायेशु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवा. ये जो हम श्रीमद् भागवतम की प्रेयर पढ़ते हैं उसी में मेंशन है, हार्ट के जितने भी इनऑस्पिशियस थिंग्स हैं सब नष्ट हो जाते हैं और हार्ट में भगवान के लिए डिवोशन और श्रद्धा एस्टैब्लिश हो जाती है. हरि बोल. तो आइए अब आपके हम कमेंट्स पढ़ते हैं. गीता जी का कमेंट आया था, इन सीकिंग भगवान वी नीड टू गेट अटैच टू द प्रैक्टिस ऑफ भक्ति, टू एम टू मेक भगवान द सेंटर ऑफ आवर लाइफ, अटैच आवर सेल्फ टू सर्विंग कृष्णा एज डिवोटीज, अटैचमेंट टू लिसनिंग एंड चैंटिंग भगवद गीता एंड महामंत्र, अटैच आवर सेल्फ टू नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग भगवद गीता. यस गीता जी, आपने जो पॉइंट्स लिखे और पैरेलल में हमने और भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स सारे बताए हैं. सो डियर व्यूअर्स, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया, दीज आर द सुपर पावरफुल वेज to attach to the transcendental activities by which we can please Krishna, by which we can purify, by which we can achieve the supreme award of this life. Aur in sab ka side result kya hai? The person who practices this kind of life, they develop all the beautiful Vaishnav qualities jo hum abhi discuss kar rahe hain. So next, verse number 82 में जाने से पहले actually let me finish others points also. विश्वनाथन जी ने लिखा है detach from worldly things and attach to God. Exactly. तो high level पे है ये विश्वनाथन जी, इसको और further breakdown करके समझने के लिए हमने अभी अभी बाकी points discuss किए. बैसाखी जी, faith, association of devotees, performance of devotional service, decreasing unwanted attachment, pure love for Krishna. Beautiful. Thank you. शुभांकर सरकार जी, हरे कृष्णा. निधि गुप्ता जी, प्योर लव एंड अनअलॉयड डिवोशन फॉर कृष्णा. निधि गुप्ता जी, यस, प्योर लव एंड अनअलॉयड डिवोशन को डेवलप करने के लिए वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक चॉइसेस, वी हैव टू अटैच टू थिंग्स विच आर फेवरेबल फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, विच वॉज द पॉइंट नंबर वन वी डिस्कस फॉर सीरियसली सरेंडरिंग टू कृष्णा. वरुण छाबरा जी, चैंटिंग होली नेम, साधु संगा, ऑफरिंग भोगा, श्रीमद् भागवतम रीडिंग, फॉलोइंग हरे कृष्णा. हरी बोल वरुण जी, थैंक यू. आपने एडिशनल पॉइंट जो बताया ऑफरिंग भोगा का, तो वो हमने पहले भी डिस्कस किया कि व्हेन वी ईट कृष्ण प्रसाद इट ट्रांसफॉर्म्स अवर कॉन्शियसनेस, एंड व्हेन द कॉन्शियसनेस इज ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, व्हेन वी एक्सपीरियंस द हायर टेस्ट, देन यू नो वी आर living this life. As long as we are in Krishna consciousness, we are pleasing Krishna, because that is the ideal perfect consciousness to work towards the goal of life. Bahut hi sundar response, dear devotees. Basaki ji, chanting Mahamantra, reading holy books, residing in holy dham, serving devotees, engaging devotional service. Wonderful. Aage badhte hain, verse number 83. डियर डिवोटीज, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, आपके लिए एक बार फिर से ये हम लिंक शेयर कर रहे हैं. हम इस वक्त यहाँ से कर रहे हैं श्रवण और कीर्तन. हम रीड कर रहे हैं चैतन्य चैतन्यमृत मध्य लीला चैप्टर 22. वी हैव थ्री मोर वर्सेस टू गो, उसके बाद हम करेंगे ये सेशन आज यहीं पर समाप्त और फिर रिज्यूम करेंगे नेक्स्ट टाइम. लेकिन आप ध्यान से पार्टिसिपेट करते चलिए तो फुल्ली बेनिफिट करेंगे इस सेशन से. And we are trying to develop more understanding, more knowledge on how to seriously surrender at the lotus feet of Bhagwan. Text number 82 actually, four verses karna hai hame. It is the verdict of all Shastra and great personalities that service to pure devotees is the path of liberation. Dekhiye, humne abhi bhi discuss kiya tha, isn't it? Serving the saintly devotees of Bhagwan.
So by contrast, association with materialistic people who are attached to material enjoyment and women is the path of darkness. हमें क्या लेना है? हमें लेना है path of Krishna. We are not getting distracted with the paths of darkness. जहाँ पे warning है, don't be attached to material enjoyment and women. Okay? किनसे करना है हमें associate? With the saintly souls, with the pure devotees, with the sadhus, with the Vaishnavas. Those who are actually devotees are broad-minded, equal to everyone, and very peaceful. यहाँ देखिए devotees की और qualities mentioned हैं. They are equal to everyone, यानी कि they see everyone with an equal vision. Why? Because they know that there is soul in all living entities, and the soul is eternal, and that we are all part and parcel of our Supreme Father. And they never become angry. And they are friendly to all living entities. तो ये तो इतनी सारी ब्यूटीफुल कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं पिछली कई वर्सेस में जो वैष्णव की क्वालिटीज हैं. एंड वी शुड एस्पायर टू बिहेव इन दिस मैनर ऑल्सो. अपनी तरफ से एंडीवर भी करना होता है. वी हैव टू बी काइंड टू एवरी लिविंग एंटिटी, राइट? वी हैव टू बी देयर वेल विशर. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वी शुड शेयर कृष्णा विद एवरीवन. सो जब हमने चैप्टर 12 किया था भगवद गीता का, चैप्टर 12 वाज अबाउट भक्ति योगा, उसमें वर्स नंबर 13 से 20 के बीच में, फ्रॉम वर्स नंबर 13 टू 20 भगवान कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस हैं, हु इज़ वेरी डियर टू भगवान. उसमें पूरी वैष्णव क्वालिटीज बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्क्राइब्ड हैं. और जब हम ये चैप्टर फिनिश कर लेंगे उसके बाद भगवद गीता फिर से रिज्यूम करेंगे एंड वी कैन कंटिन्यू. ओके, सो Eventually, it all comes down to how to be peaceful in this life. By having that strong faith in Bhagwan, by making the right choices, what activities to accept, what to reject, so that we make spiritual advancement, so that we please Krishna. तो ये understanding रखते हुए, अगर हम engage करते हैं in the processes of devotional service, which is the Abhideya, and then we can achieve the prayojan, which is the goal of life, and we can live peacefully in this life and next. Aur chapter 5 bhagavad gita ki jo last verse hai usko bola jata hai peace formula. To sum and substance sara humne aapko abhi bata diya, aur more detail mein peace formula pe hum elaborately discuss karenge jab hum bhagavad gita resume karenge. Verse number 83, let me quickly check your comments. Hare Krishna. Hari bol, no comments. All right. Let me resume this music and then we'll... Hare Krishna. Verse number 83. The root cause of devotional service to Lord Krishna... Is making nothing happen in your life? Hare Krishna. There is an advertisement. Let me start it. All right. Alright, verse number 83. The root cause of devotional service to Lord Krishna is association with the advanced devotees. And when one's dormant love for Krishna awakens, association with devotees is still most essential. तो जब हम इस वर्स को यू नो रीड करके उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, टू थिंग्स कम टू आवर माइंड, एट लीस्ट टू थिंग्स. डिवोशनल सर्विस कैसे मिलती है हमें? Devotional service milti hai due to kripa of advanced devotees, due to their association, sadhu sangha and taking shelter of a pure soul. Aur dusri baat, jab kisi ke heart mein dormant love for Krishna awakens, to tab bhi association with devotees is most essential, most important. अगर हम समझें कि अब हम एडवांस हो गए हैं, अब हमें किसी डिवोटीज या साधुस के साथ में एसोसिएट करने की ज़रूरत नहीं है, दैट विल बी फुलिशनेस. या रिकमेंडेशन है, वी शुड ऑलवेज एंगेज इन डिवोशनल सर्विस प्रोसेसेस इन साधु संगा. जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, वी कैन डेवलप हायर टेस्ट, वी कैन डेवलप मोर टेस्ट, वी कैन डेवलप रुचि. And in this way, we can stay enthusiastic and motivated in the life of bhakti. Hare Krishna, verse number 84. O my Lord, O infallible Supreme Person,
When a person wandering throughout the universe becomes eligible for liberation from material existence, he gets an opportunity to associate with the devotees, and when he associates with devotees, his attraction for you is awakened. You are the Supreme Personality of Godhead, the highest goal of the topmost devotees, and the Lord of the universe. So, Supreme Personality of Godhead, Anjo Bhagwan, Hamare Sarvalok Maheshwaram. He is the Lord of the universe. He is the highest goal of the topmost devotees. Hame ye understanding hamesha rakhni hai that we should always go for the sadhu sangha, devotee association. Kyunki as conditioned living entities, you know, if we are wandering here and there, people go away, you know, on vacations. Aajkal itne options available hai and they're wandering all over the earth here and there. Lekin by great fortune, by Krishna's mercy, somehow we come in contact with the devotee of the Lord and we become qualified to get out of this material existence. Aur material existence ke kya dangers hain? Birth, old age, death, disease. So it is through devotees we develop this understanding and then we get an experience of life of bhakti, and then we engage in fasting and feasting, you know, all the Rath Yatras, you know, which are going on throughout the year, you know, we get the great fortune in to participate in that, and there are so many festivals throughout the year. Can you imagine, would we be interested in all these beautiful transcendental activities if we did not have Sadhu Sangha? So, yaha mentioned hai ki when we associate with devotees, our attraction for Bhagwan is awakened. Hari bol. Verse number 85, jo ki aaj ki last verse hai. O devotees, O you who are free from all sins, let me inquire from you about that which is supremely auspicious for all living entities. Association with pure devotee, even for half a moment in this material world, is greatest treasure for human society. Ab again, is particular point par jahan hum aaj ki reading end karne wale hain, agli baar resume karenge. I want to ask you one question and I want to see your responses. What is the importance of association with the devotees, with the pure devotees? What is the importance of association with pure devotees of Bhagwan? Please write your responses. I would like to see pure devotees ka jo sangha hai, uski kya importance hai, usse hame kya benefit milta hai. Iske bare mein apne thoughts likhiye, thode se comments likhiye. I would love to read that. हरे कृष्णा, जय शुक्ला जी, अक्षय कुमार नरलिया जी, हरे कृष्णा, तपस्चंद जी, हरि बोल. दिस इज अवर फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे एंड आई वांट टू सी योर रेस्पॉन्सेस. हरे कृष्णा, लेट अस सी. इस चैप्टर 22 ऑफ मध्य लीला चैतन्य चरितामृत में हमने अब तक डिवोशनल सर्विस के प्रोसेस के बहुत ही वंडरफुल पॉइंट्स डिस्कस किए हैं. वी हैव टॉक्ड अबाउट लिविंग एंटिटीज कितने टाइप के होते हैं. वी हैव टॉक्ड अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ टेकिंग शेल्टर ऑफ प्योर सोल ऑफ भगवान. वी हैव टॉक्ड अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ साधु संगा एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट किस तरीके से व्हेन यू वाटर द रूट्स ऑफ ए ट्री देन ऑटोमेटिकली सारा ट्री नरिश होता है. इसी तरीके से जब हम भगवान की शेल्टर लेते हैं तो अपने आप ही वो सभी डेमीगॉड्स को सेटिस्फैक्शन मिल जाता है. और किस तरीके से कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द परफेक्ट कॉन्शियसनेस एंड हाउ वी शुड हैव अ मूड ऑफ सरेंडर. सी, इस तरीके से हम जब ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं और अपना फेथ स्ट्रॉन्गर कर रहे हैं और हम समझ रहे हैं एग्जैक्टली इन दिस प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस हाउ वी कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन द बिग पिक्चर बिकॉज वी हैव सिंसियरली टेकन टू दिस लाइफ ऑफ भक्ति. And we are trying to understand how we can seriously surrender to Krishna. So all these topics are very, very important. So aaiye aapke responses dekhte hain. Hamara aapse question tha, what is the importance of sadhu sangha?
What is the importance of the association of devotees? How do they help us in this path of bhakti? हम इसके बारे में आज काफ़ी डिस्कस करते चले हैं. तो एज ए रिकैप, यू नो, बिफोर वी एंड दिस सेशन, इट वुड बी गुड आइडिया टू समराइज अवर थॉट्स टुगेदर, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब हम कंटिन्यू करेंगे, वी कैन यू नो रिफ्लेक्ट ऑन द टीचिंग्स फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन. Hare Krishna, Raj Chaudhary ji. By association with Sadhu Sangha, we develop qualities of Vaishnavas. Wonderful, yes. And Bhagwan ko Vaishnavas are very dear. Bhagwan is Bhakt Vatsal. He is very affectionate to his dear devotees. Let's see, next response hai Geeta ji ka. Sadhu Sangha is most important as we get a sense of discipline. We adhere to same divine principles. We are reminded which path to follow if we get stranded in the path of Maya. We learn from others. We get multiple perspectives on how to improve our spiritual practices. I think you meant practices. Hari Bol, paths. Okay. Yes, Geeta ji. Sadhu Sangha hi hai, devotees hi hai, who are our true well-wishers and they keep us on track. They are like our friends. हमारी जो भक्ति लता है, जो कि हमने पहले कई बार डिस्कस की है, हमारी जो भक्ति लता है उसको अगर हमें सेव करना है फ्रॉम अदर मैड, यू नो, अदर अनर्थाज, लाइक मैड एलिफेंट काइंड ऑफ अनर्थाज जो कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्रीपर्स को और भक्ति लता को, तो वी ऐसे वीड्स जो कि आ सकते हैं हमारे गार्डनिंग में, उनसे हमारी भक्ति लता को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें फेंस लगानी होती है और साधु संगा इज द फेंस. और आपने तो और भी एडिशनल बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हैं कि दे गिव अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल्स हमें रिमाइंडर्स देते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें लविंग फ्रेंडशिप देते हैं. एवरीवन वांट्स टू लव एंड दे वांट टू बी लव्ड एंड विद डिवोटीज वी कैन हैव लविंग एक्सचेंजेस. निधि गुप्ता जी, अवर भक्ति इज अवेकन्ड एंड बिकम्स एलिजिबल फॉर लिबरेशन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस बाय एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज. वंडरफुल निधि जी, हरे कृष्णा. यस, इट इज पॉसिबल टू मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट टोटली बिकॉज ऑफ साधु संगा. अनुगर्ग जी, दे ब्रिंग मोर क्लोजर टू लॉर्ड कृष्णा, दे हेल्प अस टू सी पॉजिटिविटी विद इन एवरीथिंग, दे मेक अस हम्बल काइंड एंड टॉलरेंट टू अदर्स एंड दे हेल्प अस इन प्यूरिफाइंग अवर सोल and shows the right path for bhakti. Hari Bol Anugarh ji, wonderful 4 points you have mentioned. In this way we can come closer to Krishna. I really like it. Aap sabhi apne alag alag perspectives jab present karte hain, often aapke points bhi different hote hain, but you know it is just different ways of presenting this beautiful philosophy. Seema Sharma ji, when we chant with devotees, happiness is doubled. Peace, harmony, and many other things we learn, we help in guiding each other. Exactly, Seema Sharma ji. Aapne bahut achhe points bataye for our enthusiasm and motivation. And to really feel the happiness with the well-wishers, we need the association of devotees. Aur is tarike se hum peace and harmony experience kar sakte hain. Varun Chhabra ji, pure devotees ke sang mein hamara faith develop hota hai, strong connection with Krishna hota hai, increases our spiritual knowledge. We always remember our final aim of life. Wonderful Varun Chhabra ji, wonderful response. So, devotee association, sadhu sangha ke karan we stay on the track, we achieve our final aim of life. Jeet Rawal ji, by prayers and blessings, disciple for sadhu sangha, for bhakti for all. Jeet Rawal ji ka point hai, by the prayers, yani ki hum praise prayers bhi offer kar sakte hain in devotee association, and also by their prayers we become eligible to get blessings of Bhagwan. These are the glories of sadhu sangha, and in this way we stay steady in the path of bhakti. Wonderful Jeet Rawal ji. Next response hai Baisakhi ji ka. With sadhu sangha we can develop quality of pure devotee. It helps in getting close to Krishna, it helps in spiritual awakening and helps in distraction from maya, material things. Wonderful, aapne bahut achhi tarah summarize kiya hai. Today we talked about how with Bhagwan's blessings, with devotees association, we can go across the unsurmountable maya. So this all is very much needed.
so that we can develop the quality of devotees and we can come closer to Krishna. Wonderful. Priyanka Chutani ji, correct path of bhakti and devotion to Krishna, they guide us and liberate us from materialistic world. Yes, Priyanka ji, and welcome. I think you are joining us today for first time, so welcome. And I'm very happy to see your participation. So please join us every time. And आपने जो अपने thoughts present किए हैं, I really appreciate that. So, devotees, they guide us and they help us in coming closer to Krishna. Hari Bol, I think pretty much everyone has responded. Thank you so much, dear viewers, dear devotees. आज का session we would just end now at verse number, I think we did verse number 85. So please, as a homework, if you get time, go revisit all these verses. किसी किसी verse में छोटे छोटे purports हैं, बहुत बड़े नहीं हैं. जिन जो आज पहली बार join कर रहे हैं, you can quickly browse through the summary of this chapter and from verse number 1 to 85. So that next जो हमारी live session होगा चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 22 वी कैन रिज्यूम. श्रीला प्रभुपाद की जय. श्रीला भगवतपाद की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. हरे कृष्णा महामंत्र की जय. डियर डिवोटीज, आज हम हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू एन अर्जेंट कॉल आई एम गेटिंग. सो बट वी विल कंटिन्यू चैंटिंग विद द नेक्स्ट सेशन. शिला प्रभुपाद की जय. शिला भगवतपाद की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. हरे कृष्णा महामंत्र की जय. निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल. ओम तत्सत.